दादरी शहर के निचले इलाकों में जलभराव के बने हालात बेहाल हैं। जलभराव के कारण जहां लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, वहीं डेंगू के केसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते महामारी फैलने का अंदेशा है। सरकार व अधिकारियों की नाकामी के कारण ऐसे हालात बने हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। पहले खाड़ी बरसाती पानी के लिए होती थी, लेकिन अब इसमें सीवरेज का, लेटरिंग का गंदा पानी छोड़े जाने लगा है, जिससे पूरा वार्ड और चारों तरफ कॉलोनी है, सारी कॉलोनी परेशान है। बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। अब डेंगू का ही प्रकोप देख लो कितना चल रहा है, तो इसकी सफाई और गंदगी की सफाई कराना बहुत जरूरी है जी। और कोई ध्यान नहीं दे रहा। दुख की बात तो ये है, ये देखो इस खाड़ी का हालत देखो, बुरी तरह भरा है। जितनी इस पर गंदगी है, पानी दिखता ही नहीं, सारी की सारी गंदगी इसके ऊपर। बीमारी रोड पे आन हो रही, बीमारी ना फैलेगी तो और क्या मुकेगा। आज से मैं 6-7 दिन पहले आया, तब ये थोड़ी इतनी नहीं भरी हुई थी, पर आज तो ये ऐसा हो गया है कि मेरे ख्याल में 2-4 दिन में सड़क पर भी पानी इसका आ सकता है। कोई समस्या की बात नहीं, पता नहीं सरकार क्यों सुनाई नहीं करती। अरे खट्टर साहब, आपका महकमा है, कम से कम आप ये पब्लिक हेल्थ को तो कह के मरा वो कर दो। अब आप जो है ना चीफ मिनिस्टर अकेला करनाल या और ज़िले का नहीं होता, दादरी आल्सो पार्ट ऑफ दिस स्टेट, दादरी भी जो है ना हरियाणा का हिस्सा है। सोच लो कुछ थोड़ी बहुत देर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दादरी के वीर सैनिकों की ज़मीन है ये, जो है ना यहाँ के नौजवान, कोई गांव देख लो जिसके शहीद का कहीं वो नहीं लग रहा। अब उनके आपने ये क्या कर रखा है, कम से कम कुछ तो सोचो यार, और कुछ नहीं तो करो कुछ तो, मेहरबानी होगी आपकी। तो ये आप क्योंकि यहाँ डेंगू भी आज बड़े ज़ोरों से फैल रहा है, हॉस्पिटल में 15 केस आज सारा इस तरफ आवाज़ दे रहे हैं। अपने आदरणीय PM साहब कह रहे हैं, मोदी साहब स्वच्छ हरियाणा, अगर यो स्वच्छ देश है तो भाई मारो, दादरी तो बहुत स्वच्छ है, तो अगर इसी को अगर स्वच्छ बोलते हैं तो। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।